मौर्य वंश के शासन के पतन के लिए उत्तरदायी कौन था? गालाशोक, पुष्यमित्र, सुंग, अग्निमित्र, कनिष्क, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, बताएं सही जवाब क्या होगा इसका। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हैव यू ऑल, क्या हाल चाल सब लोगों के? बढ़िया है सब लोग? सही जवाब क्या होगा? गुड, वेरी गुड। आपको मैंने बताया था कि मौर्य वंश के बाद आता है कौन सा वंश? शुंग वंश, है ना, शुंग वंश आता है। तो शुंग वंश का जो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, क्या नाम था उसका? बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या करके, उसके उसकी हत्या करके किसने हत्या की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। और 185 BC में, 185 BC ईसा पूर्व में इन्होंने क्या किया था? शुंग वंश की स्थापना की थी। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। तो मौर्य वंश के शासन के पतन के लिए पुष्यमित्र शुंग जो है वो उत्तरदायी था। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया है ना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पुष्यमित्र शुंग। पहले आता है मौर्य वंश, उसके बाद आता है शुंग वंश। मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? मैंने आपको बताया था मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य सबसे अंतिम जो शासक थे उसका नाम था, ये शासक है ये वंश नहीं है, मौर्य वंश के अंतिम शासक का नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या कर दी है ना, बृहद्रथ की हत्या करके ये कौन था? उसका सेनापति था। कौन? पुष्यमित्र शुंग उसके सेनापति थे। इसके सेनापति ने बृहद्रथ की हत्या की जो कि मौर्य वंश का अंतिम शासक था। और उसके बाद इसने एक नए वंश की स्थापना की जिसे हम कहते हैं शुंग वंश। कौन सा वंश कहते हैं? शुंग वंश। नोट कर लीजिएगा, 185 यानी 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, है ना। और मौर्य वंश का जो पतन हुआ था वो पुष्यमित्र शुंग के हाथों ही हुआ था। तो उसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर।